हाँ ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। इसमें जो हम 11th क्वेश्चन कर रहे थे, 10th तक कर चुके हैं, 11th से 18th तक रह गए हैं, नोट करेंगे जल्दी से। 11th क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन पर, देखो मैंने पहले यहाँ पे आयन लिख देता हूँ। हाइपोक्लोराइट HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर इसका सबको पता है, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर है। तो जितना अच्छा एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना पुअर, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर इनके कंजुगेट बेस का जो होगा वो होगा OCl नेगेटिव सबसे अच्छा बेस, फिर ClO2 नेगेटिव, फिर ClO3 नेगेटिव, और फिर होगा ClO4 नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक करेक्टर ये हो जाएगा कंजुगेट बेस का। तो अब ऑप्शन देखते हैं, पहला है हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। मॉलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरेट आयन में देखो, हाइपोक्लोराइट आयन में लोन पेयर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो ही एटम है। क्लोरेट आयन में तीन है और एक लोन पेयर आने की वजह से शेप इसकी चेंज हो जाएगी, शेप का नाम हो जाएगा पिरामिडल, तो इस पर इन्फ्लुएंस फर्क पड़ गया। और फिर तीसरी स्टेटमेंट जो है पर क्लोरेट आयन में कोई लोन पेयर है नहीं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगी, बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट देखेंगे। सी स्टेटमेंट के लिए इसने बोला हाइपोक्लोराइट आयन एंड क्लोरेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन। हाइपोक्लोराइट आयन होता है OCl नेगेटिव, अगर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो एक आयन तो हमेशा लोअर स्टेट का बनता है और दूसरा एक एसिड बनता है, दूसरा क्या बनता है हायर एक एसिड, इससे हायर एक एसिड क्या है ClO3 नेगेटिव, तो दूसरा हायर एक एसिड क्या होगा ClO3 नेगेटिव। ऐसे ही अगर तीसरा, अगर दूसरा चेक करें, हमारा जो दूसरा आयन कौन सा है, क्लोरेट आयन है ClO3 नेगेटिव, तो ये देगा एक तो ClO नेगेटिव देगा और एक इसका हायर एक एसिड कौन सा है परक्लोरिक एसिड, तो ClO4 नेगेटिव देगा। तो इसलिए ये पार्ट तो सही है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं है ना ये, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, इसलिए ये वाले आयन अलग हो जाएंगे, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ये मैंने बता रखा है तुम्हें कि हमेशा क्या मिलता है, अगर ये आयन मिडल स्टेट वाले डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं ऑक्सो एनायन, तो हमेशा एक लोअर एसिड वाला आयन मिलेगा, एक लोअर स्टेट वाला एनायन मिलेगा और एक मिलेगा हायर एक, उससे जस्ट हायर एक वाला, जस्ट हायर एक वाला, तो जस्ट हायर एक इसका, इसका तो ये है लेकिन इसका जस्ट हायर एक क्या है परक्लोरेट। फिर अगला है हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइट आयन, बिल्कुल सही है। हाइपोक्लोराइड आयन क्या है, हाइपोक्लोराइड आयन ये क्या है OCl नेगेटिव, OCl नेगेटिव जो है इसके अंदर अगर मैं SO32 नेगेटिव डालता हूँ तो ये दे देगा Cl नेगेटिव प्लस SO42 नेगेटिव, समझे कि नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, ये HOCl जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ए बी डी आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन सही ना, 7 क्वेश्चन और रह गए अभी, तो अब करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, जो आया था इस बार पेपर में सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, ये नोट कर लिया होगा सबने। अब है क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। देखो मेरा पेपर डिस्कस करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि तुम एक बार अवेयर हो जाओ, जो भी बच्चे IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कि किस लेवल तक तैयारी करनी है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है पेपर के अंदर, सिर्फ इस वजह से पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी 11th वाले बच्चे अभी से थोड़ा सा अगर जो भी अटेंड कर रहे हैं वो अभी से अवेयर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन का आंसर इसका 12th क्वेश्चन, हाँ 1 to 10 तक हम पहले कर चुके थे डिस्कस, अब 12th क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। द क्यूबिक यूनिट सेल अरेंजमेंट, एक मिनट, हाँ द क्यूबिक यूनिट सेल अरेंजमेंट ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम एंड एनायन एक्स इज शोन बिलो, ये दे रखा है इसका अरेंजमेंट, ये इसका अरेंजमेंट दे रखा है, यानी ये दोनों जो हमारे एटम्स हैं ये हमारे एजेस पे प्रेजेंट है, ध्यान देंगे ये एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एजेस पे, ये एज पे है, ये एज पे है, ये एज पे, ये एज पे, और एक एज पे शेयरिंग होती है 1/4, एक एज पे शेयरिंग होती है 1/4। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है अभी चैप्टर 11th वालों को, 12th वालों ने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर मेरे पास, 1/4 × 12 ये आ जाएंगे 3। द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम, कैटायन एम, एम है छोटा वाला, एंड एनायन एक्स इज शोन बिलो, क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर दे रखा है। व्हेन कंपेयर टू एनायन, व्हेन कंपेयर टू द एनायन द कैटायन हैज स्मॉलर आयनिक रेडियस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कैटायन का स्मॉलर आयनिक रेडियस है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज एम एक्स, ये समझ आ गया हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज एम एक्स, तो ये 1/4 × 1/4 है इंटू 12 नहीं है, हर एक एज पे नहीं है एटम, तो इसलिए 1/4 × क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा,
हर एक एज पे होता तो 3 आता, अदरवाइज अभी यहाँ पे क्या आएगा 1/4 × 4 विच इज इक्वल टू 1। 1/4 कहाँ पे एज का, ये कौन सा निकाला मैंने एक्स की वैल्यू, एक्स के जो एटम होंगे ये 1 आ गए। ऐसे ही एम के एटम क्या आएंगे, एम के एटम हमारे फेस सेंटर पे है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे फेस के सेंटर पे ये रहा, ये और एक फेस के सेंटर पे दिखा यहाँ पे, तो एम आ जाएगा हमारा 1/2 × 2 दो एटम में से भी है, 1/2 × 2 ये भी 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एम एक्स बिल्कुल सही है, एम भी बनाया है और एक्स भी बनाया, तो एम एक्स ये सही है बिल्कुल। फिर अगला पार्ट है इसका, द कैटायन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, इसका कौन बताएगा आंसर, द कैटायन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, चेक करो एक बार इसको। बोलो जल्दी, कैटायन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, लक्ष्य दक्ष क्या मतलब निकालोगे इसका, कैटायन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मींस यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर से है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक बार दोनों एक का मैं बता देता हूं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सेम, इसमें मैं एक का बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम एक अगर से फेस के सेंटर का एटम पकड़ोगे, फेस सेंटर का एटम पकड़ोगे तो ये आधा अंदर आएगा, आधा अंदर की तरफ आएगा और आधा इधर पीछे की तरफ होगा, इसलिए इसको चारों जो एज के एज पे है एटम वो चारों उसको टच करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ऐसे दूसरे का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट लिखा हुआ है जबकि सेम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज आएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो कह रहा है रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल, एम एक्स बॉन्ड लेंथ अगर हम निकालते हैं, एम एक्स बॉन्ड लेंथ, एम ये रहा एक्स ये रहा, इनकी अगर बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं टू क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज 0.866, तो ये निकाल के देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं रफ कर रहा हूँ उसमें ऊपर जो डिस्टेंस निकालना है मैं बता देता हूँ तुम्हें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो ये निकालना है, ये ज्योमेट्री वाला एक बार बताना फिर से दक्ष, एक बार इसको खुद ट्राई करियो, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मींस इनके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं, वो इन्होंने दे रखा है डिफरेंट आएंगे, वो आते हैं सेम 4:4 का आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेम आएंगे दोनों से, ये डिफरेंट नहीं आएंगे, एक का मैंने बता दिया कैसे निकालना है, तो दूसरे का ट्राई करना, जो फेस के सेंटर से आ रहा है वो एज के सेंटर वालों से टच करेगा। अच्छा एक बार ये देखेंगे, रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल, देखो एम एक्स बॉन्ड लेंथ ये एम है और एक्स हमारा ये है, तो इसका इससे यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तुम एक बार सोच के देखो इस चीज को, तुम जिस रूम में बैठे हो इस समय, एक फेस के सेंटर से एटम है और ये एक एज के सेंटर पे एटम है, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये इस तरह से रूम है पूरा, आप ध्यान देना, यहां पे एटम है एक वॉल पे और एक यहां एटम है सेंटर पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें ये इसको मैंने यहां ड्रॉप किया a/2 पे, a/2 को इसको ड्रॉप किया और ये वाले लेंथ ये निकालना है, तो अब मेरे को जो डिस्टेंस निकालना है ध्यान देंगे, मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाला, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ध्यान देंगे ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये a/2 है लेंथ, ये a/2 लेंथ है और ये वाली लेंथ मेरी निकल जाएगी, ये a/2 ध्यान देंगे, ये लेंथ निकल सकती है, कितनी होगी लेंथ ये, बोलो क्या लेंथ आएगी ये, a/√2 कैसे निकाली दक्ष, ये a/2, ये a/2 और ये वाली a/2 इधर, कैसे भी कर लो उसको a/2 पाइथागोरस से निकाल लोगे ना इसको, ये वाली लेंथ को निकल जाएगी a/√2 की नहीं है, ये a पॉइंट, ये m मान लो, mx निकालना ना मेरे को, ये m मान लो, ये x मान लो और ये a मान लो, ये पॉइंट, तो मेरे को ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, ये लेंथ निकालने के लिए मतलब ax लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ax लेंथ निकालनी है मेरे को, ax लेंथ निकालने के बाद फिर दोबारा हम लगा देंगे पाइथागोरस,
समझे कि नहीं? तो ये कैसे निकलेगी लेंथ, ए बाई टू इस साइड गए हम, ए बाई टू इधर गए, मतलब ए डी मान लो, ए डी गए हम, फिर डी एक्स गए, दोनों ए बाई टू ए बाई टू है, तो ये निकालोगे जब ए एक्स, तो वो आएगा ए बाई रूट टू, ए एक्स आ जाएगा ए बाई रूट टू, ए एक्स आ गया ए बाई रूट टू। अब हमें लेंथ निकालनी है ये वाली, तो ए बाई रूट टू, ये ए बाई टू, पाइथागोरस दोबारा लगाएंगे तो निकल जाएगी। हमें एम ए पता है, एम ए हमें पता है, ए एक्स निकाल लिया मैंने ए बाई रूट टू, तो एम एक्स जो आएगा वो पाइथागोरस से आ जाएगा सीधा ए बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर, ए बाई टू का स्क्वायर ये आएगा और अंडर रूट के अंदर ये चीज आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर बाय टू आया, ये ए स्क्वायर बाय फोर आया, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय फोर यानी थ्री ए बाय स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर यानी थ्री ए रूट थ्री बाय टू, ए रूट थ्री बाय टू लेंथ आ गई, ए रूट थ्री बाय टू एम एक्स की लेंथ आ गई, एम एक्स अपॉन में ए ही चाहिए निकालना है हमें, एम एक्स अपॉन में ए निकालना है हमें, क्लियर, एम एक्स अपॉन में ए, एम एक्स अपॉन में ए निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा एम एक्स अपॉन में ए रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री यानी 1.732 बाई टू यानी 0.866, तो ये सही आएगा, तो ये सही आ जाएगा। और फिर लास्ट बोला रेशियो ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन एम टू एनायन एक्स इज 0.414, वो तो कब होता है जब हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड का कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसलिए, और आइडियल भी है ये, तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं आएगा, तो आंसर ए और सी आएगा इसका, बी को एक बार खुद ट्राई करना, बी ऑप्शन को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आ गया इंटीजर टाइप, सही ना, इंटीजर टाइप है और ट्रंकेट ऑफ करना है टू टू डेसिमल प्लेसेस, यानी तुम्हारा आंसर अगर थ्री आ रहा है तो तुम लिखोगे 3.00, लिखा ना यहाँ पे ट्रंकेट ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, तो इसलिए जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें दो डेसिमल प्लेसेस तुम्हें आंसर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, थर्टीन क्वेश्चन 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, मिलीक्रेंट दे रखे हैं ऑक्सैलिक एसिड के, इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, इसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH फ्रॉम ए ब्यूरेट, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट NaOH फ्रॉम ए ब्यूरेट, ब्यूरेट से मैंने बता रखा है एक्सपेरिमेंट पूरा, यहाँ पे ब्यूरेट से इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है NaOH, सही ना, NaOH है, डबल टाइट्रेशन में बता रखा है कि कैसे करते हैं इसको, तो इसमें फ्रॉम ए ब्यूरेट यूजिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, यूजिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, सही ना, जो एंड पॉइंट इस केस में NaOH और एंड पॉइंट देगा इसमें, द वॉल्यूम ऑफ NaOH यू रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड बिलो, अच्छा परमानेंट फेंट कलर आने के लिए नीचे हमारे पास क्या है कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड H2C24, तो फिनोप्थिलीन जो है एसिड मीडियम में कौन सा कलर देता है, फिनोप्थिलीन HPH H प्लस प्लस pH नेगेटिव, अगर मीडियम एसिडिक है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी और कलर क्या होगा, ये कलरलेस होता है, ये पिंक होता है pH माइनस, तो अगर मीडियम एसिडिक है तो रिएक्शन बैकवर्ड गई यानी अभी कलरलेस होगा, अभी ये नीचे कॉनिकल फ्लास्क में जो है सॉल्यूशन वो कलरलेस होगी, तो ऊपर से जब NaOH डालेंगे तो NaOH इसको न्यूट्रलाइज करेगा H+ को, H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पहले NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा H2C24 को, जब H2C24 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा खत्म हो जाएगा, उस केस में एक ड्रॉप भी NaOH की आई तो वो इस H+ को न्यूट्रलाइज करेगी, इस वाले H+ को जो कि फिनोप्थिलीन से मिल रहा है, जब इसको न्यूट्रलाइज करेगी तो pH माइनस बनेगा और pH माइनस बनेगा तो कलर आ जाएगा पिंक, इसलिए इसने बोला न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट कब मानेंगे, जब पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर जब आ जाएगा। What is the concentration in molarity of NaOH solution? What is the concentration in molarity of NaOH solution का निकालना है। तो न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ है, जब पिंक कलर आएगा, पिंक कलर कब आएगा, जब एक मतलब कि एक जैसी रीडिंग आएगी, एक जैसी रीडिंग यहाँ पे आ रही है, तो इस पॉइंट पे पिंक कलर आया होगा, क्लियर, इस पॉइंट पे क्या आएगा, पिंक कलर, तो ये वॉल्यूम कितना NaOH का 9 मिलीलीटर, तो 9 मिलीलीटर पे एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो मिलिक्यूलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मिलिक्यूलेंट ऑफ NaOH, तो NaOH के बारे में मेरे को मोलरिटी निकालनी है, NaOH का मेरे को क्या कहते हैं वॉल्यूम पता लग गया 9 मिलीलीटर है, मोलरिटी निकल जाएगी, एन फैक्टर इसका 1 होता ही है, और इसके मिलिक्यूलेंट क्या होंगे 5 into 0.1 into एन फैक्टर इसका 2, दिस इज इक्वल टू
NaOH के मिलीग्रेंट्स क्या होंगे 9 इनटू मोलारिटी, तो 5 इनटू 0.1 डिवाइड बाय 2 यानी 10 1 1 बाय 9 आ जाएगा आंसर, 1 बाय 9 हां यही आएगा आंसर। चेक कर लेंगे एक बार चेक कर लेना, कोई गलत ना हो, 1 बाय 9 आना चाहिए आंसर। 9 पे हमारा कंप्लीट नोटेशन हो रहा है, 1 बाय 9 हां ये आ जाएगा, मोलारिटी आ जाएगी 1 बाय 9। अब इसको ट्रंकेट ऑफ करना है, 200 तो 9 से आ गया तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 फिर 10 आएगा तो 0.1 फिर आ जाएगा, तो 0.11 तक आंसर निकालना है, 0.11 मोलर आंसर होगा, 0.11 मोलर ये आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। क्वेश्चन 1/9 निकला आंसर इसका। 14th क्वेश्चन, देखो कंसीडर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ए गिव्स बी रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन बोलो सर, इसमें एवरेज नहीं लेते इन पांचों वैल्यू का? नहीं एवरेज क्यों लेंगे, जब ये हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब एक जैसी रीडिंग आएगी, एक जैसी रीडिंग आ जाएगी, पांच एक्सपेरिमेंट किए ना ये, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 एक नहीं किया ये, पांच एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जब एक जैसी रीडिंग आई है उस पॉइंट पे मानेंगे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। मैं चेक करते हैं वैसे, जब कॉन्फिडेंट रीडिंग आ जाती है तो हम मानते हैं कि इस यही होगा हमारा जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इसलिए ऐसे करते हैं क्वेश्चन। स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना प्रैक्टिकल्स में, तो वैसे ही होगा, जब एक जैसी रीडिंग आती है तो मानते हैं हमने करेक्ट किया एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा प्रैक्टिस से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन ए गिव्स बी एट 1000 केल्विन एट टाइम टी, 1000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी एट 1000 केल्विन, ये दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 1000 केल्विन एट टाइम टी, पार्श्विक देखा बी का और टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा इसका, चलो एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू 2000 केल्विन, टी टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तेजी से 2000 केल्विन, ये टी टाइम, एट टाइम टी डैश है, हाँ इस पॉइंट पे है ना, टी डैश पे टेम्परेचर बढ़ाया हमने तेजी से 2000 केल्विन कर दिया टी डैश पे, एंड द सिस्टम वॉज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम पे आया सिस्टम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गया कंसेप्ट, सही ना, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, इधर भी पार्शियल प्रेशर क्या था कॉन्स्टेंट 1000 केल्विन पे था, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वॉज मेंटेन एट 1 bar, ए को रखा है हमेशा मैंने 1 bar, ए को हमने चेंज किया ही नहीं है, ए हमेशा 1 bar रहा है, गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये बी का प्लॉट है सिर्फ, किसका प्लॉट है बी का, बी का प्लॉट है, एक बार इक्विलिब्रियम आया 1000 केल्विन पे यहाँ पे और एक बार इक्विलिब्रियम आया 2000 केल्विन पे यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है तो, और ये 2000 केल्विन पे है, दिस इज यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो 2000 केल्विन टेम्परेचर है याद रखना, और यहाँ जो है 1000 केल्विन टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम आया, तो फिर इसने बोला गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट एट 2000 केल्विन, तो गिब्सन एनर्जी का रेशियो पूछा 1000 और डेल्टा जी का रेशियो पूछा हुआ इसने 1000 केल्विन पे 10^3 के केल्विन पे अपॉन में डेल्टा जी का रेशियो, डेल्टा जी टू निकालना है एट 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पे ये पूछा हुआ है, तो डेल्टा जी का टेम्परेचर का रिलेशन तुम्हें पता ही है, क्या रिलेशन है इसके साथ, थर्मो में पड़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या रिलेशन होता है इसमें केसी भी आ जाए, क्या रिलेशन है माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, पता नहीं है फॉर्मूला पढ़ने, फॉर्मूला लगाना बस इसके अंदर, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के वन एट 1000 केल्विन अपॉन में माइनस आर, ये टी वन लिखना इसको, आर टी टू नेचुरल लॉग के टू, तो आर से आर ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर आर कैंसिल, टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू कितना दे रखा है 1000 बाई 2000, 1000 में 2000 दे रखा है, नेचुरल लॉग के वन बाई के टू, नेचुरल लॉग ऑफ के वन बाई के टू, अब के वन की वैल्यू क्या लेंगे 1000 केल्विन वाली, वो 10 वैल्यू है दिख रहा है तुम्हें, 10 वैल्यू ये रही, मैं दोबारा दिखा देता हूँ तुम्हें, रब कर रहा हूँ ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी, नोट कर लेना, रब कर रहा हूँ मैं ऊपर, हमें टी वन टी टू पता है, ये रहा
ये मैं मार्क कर रहा हूँ उसको यहाँ पे, यहाँ पे आया हमारा K1, K1 कितना आया 10 एट 1000 केल्विन, और यहाँ पे क्या आएगा K2 एट 2000 केल्विन। तो बस थाउजेंड माइनस RT1 नेचुरल ऑफ K1 माइनस RT2 नेचुरल ऑफ K2, तो RR कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, T1 1000 बाय 2000 नेचुरल ऑफ K1, नेचुरल ऑफ K1 मींस नेचुरल लॉग ऑफ 10 अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ 100, 2.33 बाहर लेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया सीधा, 1000 ये कैंसिल 1/2 इनटू 1/2 यानी 0.25 आंसर आ जाएगा। डाउट किसी को? तो क्वेश्चन सिंपल था, फॉर्मूला अप्लाई करना था इसमें, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस बार ना बुक से डले हुए क्वेश्चंस, जो IIT ने क्वेश्चन बनाया वो बुक से डले हुए हैं डायरेक्ट, जैम के क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चंस हैं, या बुक से भी डायरेक्ट डले हुए हैं। देखो इसमें क्या बोला, 15th क्वेश्चन में इसने बोला कि चलो 15th क्वेश्चन बोला, कंसीडर 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, 70% एफिशिएंट है यानी एफिशिएंसी कितनी है 70% की फ्यूल सेल की, ये फ्यूल सेल की रिएक्शन है तुमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 1 बार एंड 298 केल्विन, सही है। इट्स सेल रिएक्शन इज दिस, द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 10^-3 मोल ऑफ H2, 10^-3 मोल H2 का कंजप्शन हुआ है, और इससे वर्क डिराइव कैसे होता है, वर्क डिराइव का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क क्या होता है, माइनस एनएफई सेल, सही ना, माइनस एनएफई सेल होता है, और इज यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, सही है। इसमें जो भी इससे इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा 10^-3 मोल H2 से, जो भी इससे वर्क डन आएगा, और 70% एफिशिएंसी है तो इनटू 0.7 भी करना पड़ेगा, जो भी इससे वर्क डन आएगा वो वर्क जो है वो कंप्रेस कर रहा है किसको, मोनोटोमिक आइडियल गैस को, वो वर्क कंप्रेस कर रहा है मोनोटोमिक आइडियल गैस को, तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो वर्क डन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है यानी एडियाबेटिक कंडीशंस है, उसमें वर्क डन क्या होता है एनसीवीडीटी, एडियाबेटिक कंडीशंस है तो वर्क डन क्या होता है एनसीवीडीटी। तो पहले हम निकाल लेंगे कि वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ फिर अप कर देंगे, वर्क डन जो आएगा डेल्टा जी वो आएगा माइनस एन एफ ई सेल, एच टू कितना लिया हुआ मैंने 10^-3 मोल, 10^-3 मोल से वर्क डन निकल जाएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल निकालना, ई नोट सेल दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है, सही है, कैथोड एनोड की रिएक्शन दे रखा है, ई नोट सेल लेंगे माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन की वैल्यू कितनी है 10^-3 मोल, तो इससे जो वर्क डन और 70% क्या है एफिशिएंसी, 70% एफिशिएंसी है, तो इससे हमने लिया H2 गैस यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस, सही है। तो इससे पहले वर्क डन निकाल लेंगे -10^-3 F96500 ई नोट सेल, यही आ जाएगा 1.23, कैथोड एनोड की रिएक्शन जो लिखी है सॉल्व करेंगे 1.23 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे जूल में आएगा आंसर भी, वर्क डन आ गया, इस वर्क डन को इक्वेट कर देना, किसके इक्वल करना है इसको, इसको इक्वल करना है एडियाबेटिक वर्क के, एडियाबेटिक वर्क इक्वल करना है NCVDT, N की वैल्यू 1 मोल मोनोटोमिक गैस है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैं जो लिख दूं 1, और CV की वैल्यू क्योंकि मोनोटोमिक गैस है, सिंस इट इज अ मोनोटोमिक आइडियल गैस तो CV की वैल्यू कितनी लेंगे 3/2R, और DT हमें निकालना है राइज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, तो डेल्टा T की वैल्यू यहीं से ले लेंगे, डेल्टा T की वैल्यू यही होगी,
डी टी जो है डेल्टा टी, यही निकालना है तो उसको सॉल्व कर लेना इसको, सही ना। इस वर्क डन को इक्वल करना था, सिर्फ किसके इक्वल करना था, वर्क डन ऑफ दिस थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर बोल दिया तो एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। जैसे तुम चाहो तो डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी लगा सकते थे, वर्क डन इससे निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेल्टा ई क्या होता है एन सी वी डी टी, तो डब्ल्यू कितना आ गया एन सी वी डी टी, वो इसके इक्वल करता तो सॉल्व कर लेना इससे डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, तो ये थर्मो और इलेक्ट्रो दोनों को मिलाकर क्वेश्चन दिया हुआ। एक चीज और करना है इसको 0.7 से मल्टीप्लाई जरूर करना, 0.7 से मल्टीप्लाई करना इसको, सही ना, 0.7 से मल्टीप्लाई जरूर। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्टेड वीडियो मिलेगी ना तुमको, सुन रहे हैं? एक बार म्यूट कर लेंगे अपने आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। डायरेक्शन तुम्हें पता है Al प्लस एच टू एस ओ फोर, क्या बन जाएगा Al टू एस ओ फोर होल थ्राइस, Al टू एस ओ फोर होल थ्राइस, थ्री एच टू एस ओ फोर आएगा, टू ए एल आएगा, थ्री एच टू आ जाएगा, रिएक्शन पता लग जाएगा, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स एट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन माना जाएगा तो, क्योंकि इसमें तो सिंपल पीवी रूट एनर्जी लगा के निकाल लेंगे। 0.54 ग्राम एल्यूमिनियम में, 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम मींस 5.4 बाय 27, तो ये आ गया हमारा 0.2 मोल, 0.2 मोल से कितना मोल H2 बनेगा निकाल लेंगे यहां से, 0.2 मोल से बन जाएगा 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर SL3, 50 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर, यानी 50। ये तो लोग म्यूट कर रहे हैं आपको, कौन देखो किसने म्यूट कर रखा है, एक बार चेक करना सर, हो गया म्यूट, मुकुल था। अच्छा, 0.2 मोल ये है 3H2O4, 3H2O4 है तो क्या आ जाएगा 3H2O4 और 50 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर, 50 इनटू 5 250 बाय ये 0.25 आ गया सीधा 0.25 मोल, तो इसमें कौन सा आ रहा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक बार चेक करना, 0.2 मोल ये है और दूसरा 0.25 है, कौन सा लिमिटिंग है, लिमिटिंग कौन सा आ रहा है, मोस्ट प्रोबली 0.25 ही आना चाहिए, यानी H2SO4 आना चाहिए लिमिटिंग, 0.25 मोल H2 लिमिटिंग आ जाएगा, तो ये लिमिटिंग आएगा H2SO4। देख दर्शक पर यही आ रहा है, यस सर, 0.25 मोल लिमिटिंग निकाल लेना, लिमिटिंग रेजेंट मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है सिंपल सा, 0.25 मोल से ये 3 मोल H2 मिल रहा है तो 0.25 से 0.25 मोल H2 मिल जाएगा, 0.25 मोल H2 मिल जाएगा, 0.25 मोल H2 आ गया, हमें निकालना है इसका, एक मिनट, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो पी वी रूट लगाएंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालना है n 0.25 है, r 0.0821, t हमारा आ रहा है 300 बाय p आएगा यहाँ से कितना 1 एटमॉस्फेयर, बस सॉल्व कर लेंगे इसको आंसर आ जाएगा, सही ना, इससे आंसर आ जाएगा, निकाल लेंगे इसको 300 इंटू 0.08 24.63 होता ही है, ये 24.63 बाय 4 कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 24.4 यानी 6 समथिंग आ जाएगा, 24.63 बाय 4 6.15 के आसपास, कुछ 6.15 के आसपास आएगा आंसर, 6.15 लीटर आ जाएगा आंसर, 6.15 लीटर। नाउ 17th क्वेश्चन, ये उससे रिलेटेड है, काइनेटिक्स प्लस न्यूक्लियर से, काइनेटिक्स प्लस न्यूक्लियर से ये मैं रब कर रहा हूँ जो मैंने किया अभी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, सही है, कंट्री प्लस 17 क्वेश्चन। हर्षिल देख टाइम कितना रह रहा है,
7-8 मिनट्स होंगे. हाँ 7-8 मिनट्स. यस सर. चलो फिर हो जाएंगे. अभी दो क्वेश्चन रह गए हमारे, हो जाएंगे तब तक. देखो 17 क्वेश्चन दे रखा है. यूरेनियम 92-238 है, इसका रेडियो एक्टिविटी क्या हो रहा है लेड के अंदर. यूरेनियम 92-238 है, इसका डिके हो रहा है किसमें, लेड के अंदर. 206 और 82, ये बन रहा है. साथ में कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे, बहुत बार क्वेश्चन किया है. कितने अल्फा कितने बीटा निकलते हैं इसमें, याद होगा सबको ये. कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे डायरेक्ट निकाल सकते हैं. 92 है, मास में चेंज नहीं आएगा बीटा के, इसलिए डायरेक्ट मैं अल्फा बता रहा हूँ. यहाँ से 92 है से मास में चेंज नहीं आएगा तो अल्फा डायरेक्ट निकल जाएंगे. 238 में से 206 गया, 32 यानी 8 अल्फा होंगे. 8 अल्फा आएंगे, 8 2 4 और 8 ये आ गए तो 92 और इसमें चेंज आएगा. 8 ये आ गए तो 16 यहाँ से चला गया, 16 यहाँ से गया, 16 गया तो 92, 16 गया तो फिर हमारा आ जाएगा 76 6 बीटा. ये निकाल लोगे ना कैसे निकालते हैं, 6-1=0. ये बताऊं कि निकालना आता है, एक्स और वाई के मान के निकालना था. दो इक्वेशन बनेंगी, एक मास से इक्वेशन बनेगी, एक एटॉमिक नंबर से. पहले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते थे नीट में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली. अल्फा और बीटा निकालो सिर्फ. ये बात समझ आ गई कि नहीं, 8 अल्फा 6 बीटा समझ आ गया है. अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स का मैंने इतना देखा है. अब ए रॉक इनिशियली कंटेन्ड 68×10⁻⁶ ग्राम यूरेनियम. 68×10⁻⁶ ग्राम यूरेनियम, 68×10⁻⁶ ग्राम यूरेनियम है इसके अंदर. इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इट वुड एमिट ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ दिस टू दिस इज 3 हाफ लाइफ इज जेड इंटू इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड. अच्छा सही. तो देखो कितने अल्फा पार्टिकल्स ये एमिट करेगा वो निकालना है. कितने इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इट वुड एमिट ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 92 से दिस इज इन 3 हाफ लाइफ्स. इन 3 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स के बाद ये कितना डिके होगा ये निकालना है एक तरह से. 3 हाफ लाइफ के बाद तो जेड की वैल्यू क्या होगी. तो 68×10⁻⁶ ग्राम है ये, 68×10⁻⁶ ग्राम है. तो इससे मैं निकाल सकता हूँ इसके मोल्स कितने होंगे, वो निकल जाएगा इसके मोल्स बाय में 238. तो उसको सॉल्व करना, 68/238, 60/240 होता तो 0.25 आता था, अभी इससे ज़्यादा आएगा 0.3 के आसपास कुछ. चलो मैं इसको 0.3 मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तुम लोग खुद निकालना, मैं 0.3 मान के कर रहा हूँ उसे. 0.3 कोई डाउट तो नहीं है, मैं कैसे किया कि क्वेश्चन समझ आया है हमें. इसमें एग्जैक्ट नहीं होती IIT के अंदर. मैं अभी ये मान रहा हूँ 0.3×10⁻⁶ मोल, ये मोल आ गए इसके 0.3×10⁻⁶ मोल. ये इनिशियल थे यूरेनियम के पार्टिकल्स, इनिशियली ये थे सही ना, इनिशियली ये थे. अब अल्फा पार्टिकल्स, अब मैं निकाल रहा हूँ कि ये बचेगा कितना आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स. आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ये बचेगा कितना, इसके पहले यूरेनियम के एटम्स कितने बचेंगे, यानी इनटू एनोड कर रहा हूँ मैं. 0.3×10⁻⁶ × N0, मोल हटाने के लिए N0 से मल्टीप्लाई, 6.023×10⁻³. तो ये सॉल्व करेंगे तो 6×0.3 18 आ जाएगा, 1.8 आ गया, 1.8 के आसपास कुछ आ जाएगा. एक बार चेक कर लेना ये 1.8 के आसपास आ रहा है कि नहीं. 1.8×10⁻¹⁷, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ तुम एग्जैक्ट करना. 1.8×10⁻¹⁷, ये आ गए यूरेनियम के एटम्स, ये यूरेनियम के एटम्स हैं. इतने यूरेनियम के एटम्स थे. अब इसके बाद डिके हुआ इसका, तो ये बचेगा कितना 3 हाफ लाइफ के बाद. ये ए है, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू ए इंटू हाफ की पावर एन होता है, पता नहीं है नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के फॉर्मूला लगा सकते हो तुम अमाउंट लेफ्ट के लिए. के इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, उससे भी कर सकते हो तुम. तो ए हमारे पास पता है, ए हमारा कितना है 1.8×10⁻¹⁷. मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, एग्जैक्ट करना, मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे. 1/2×3 तो बाय 8 आ जाएगा ये. 1.8×10⁻¹⁷/8, ये अमाउंट लेफ्ट है, ये अमाउंट लेफ्ट है. तो अमाउंट डीके कितना हुआ यूरेनियम का, यूरेनियम का अमाउंट डीके कितना होगा,
चलो अमाउंट देखिए कितना मैं ऊपर से रख करके कर लूँ। अमाउंट डिके कितना होगा निकाल लोगे ना से, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट, तो अमाउंट डिकेड कितना होगा इनिशियली हमारे पास कितना था 1.8 × 10⁻¹⁷ और अब कितना बचा इतना, तो अमाउंट डिके कितना हुआ, वन पॉइंट एट इंटू टेन सेवनटीन कॉमन अमाउंट डिकेड निकाल रहे हैं यार, 1.8 × 10⁻¹⁸ क्यों किया, क्योंकि एक से ये आठ बन रहे हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इनटू 8 कर इनटू 7 कर देंगे इसको, तो कुछ इससे आंसर आ जाएगा, वो तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तब आंसर आएगा, नहीं तो अभी ये निकल रहा है 10 की 18 में पूछ, z * 10 की 18 बोला ही बस, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षिल टाइम देख ले बार कितना बचा है, तीन चार मिनट, चलो जल्दी देख लेना क्वेश्चन, ये सर एक मिनट मैं इसका, सर एक मिनट, अच्छा एक मिनट, चलो हिंट ले लो फिर इस क्वेश्चन का 18 का, देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि सी ओ ओ ओ सी एच थ्री है, सी सी एच फाइव, सी सी एच फाइव कंसंट्रेटेड एसिड डाला, कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं, अगर ये टेम्परेचर मेंशन कर देता हाई टेम्परेचर या कुछ ऐसा, तो मैं जितने भी सी सी एच फाइव है उन सबके पैरा पे क्या लगा देता, एसओ थ्री एच, उन सबके पैरा पे एसओ थ्री एच, अभी क्या होगा कि ये बन जाएगा पहले ओ एम ई है ना, ऊपर ऊपर ओ एम ई जो ये स्टेबल बनता है, ये आगे मैं बताऊंगा इसमें एस्टर के हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म, यहाँ पे मान लो फिनाइल ग्रुप है एफ लिख रहा हूँ मैं, फिनाइल ग्रुप एफ 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 और ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई था, ओ अपना लोन पर देगा एच प्लस को, तो ये बन जाएगा और ये पार्ट ऊपर प्लस आते ही एम ई ओ बाहर निकलेगा और यहाँ आ जाएगा प्लस, मैं रब कर रहा हूँ उसको, और ये प्लस आते ही साथ वाली बेंजीन से जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा